हेलो क्यों बोल लो आपने करा क्यों साहब ले चलो इसे ले चलो इसे। नोएडा के सेक्टर 70 में कुछ लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की आम बातचीत ने धीरे धीरे बहस का रूप ले लिया। दरअसल इस पूरे विवाद ने माता की चौकी में तूल पकड़ा। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा नजर डालिए इस वीडियो पर। बैठे आप लोग ट्रेन करके बैठे, नहीं तो आप मेडिकल करा लीजिए। कोरोना 100 नंबर पर फोन करो, हमारी भी नोट लीजिए। सर कोई बात नहीं, आप मुझे बताए सुबह आप मुझे लपेटोगे, कोई बात नहीं, आप मुझे लपेटोगे। आप भी ड्रिंक करके आए हो सर, ऐसी बात नहीं है। आप चाहो तो मेडिकल करा लो ऑन द स्पॉट। मैं जानता हूँ आपके जो मुंह से आपकी ड्रिंक की बदबू आ रही है, ठीक है। मैं भी एडवोकेट हूँ, थोड़ा बहुत कानून जानता हूँ। हाँ मेरा सूंघ लीजिए मेरी, आप दोनों, हम दोनों चल लेते हैं मेडिकल करा लेते हैं, दोनों मेडिकल करा लेते हैं। चल ना, एक मिनट भाई साहब, किस वजह से? तो देखा आपने कैसे ये पुलिस वाले माता की चौकी में बैठे हैं। लेकिन चौकी का आयोजन करने वाले परिवार का आरोप है कि ये पुलिसकर्मी चौकी में शराब का सेवन करके बैठे थे। वहीं स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस का वीडियो बनाए जाने के दौरान पुलिस इतना भड़क गई कि पुलिस की ओर से वीडियो बना रहे युवक का फोन छीनने तक की कोशिश की गई। ये तो हो गया परिवार वालों का आरोप। अब एक और वीडियो पर नजर डालिए, ये वीडियो पुलिस की ओर से बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि चौकी करवा रहे लोगों की ओर से गाड़ियों में बैठकर शराब पिलाई जा रही थी। इसी कार में से कुछ खाने का सामान और शराब की पेटी भी बरामद की गई है। वहीं मौके से फॉर्च्यूनर कार समेत पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोगों ने PRV 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी कि तेज आवाज में साउंड बज रहा है। मौके पर फेज 3 की पुलिस पहुंची और साउंड धीमी करने को कहा, लेकिन आवाज कम नहीं की गई, उल्टा वहां मौजूद आयोजनकर्ताओं की ओर से पुलिस से बदसलूकी की गई। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या सही या गलत लगता है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।